हुए हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अखिलेश यादव ने गोरखनाथ मंदिर की घटना को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आरोपी के पिता ने कहा था कि उनके बेटे मुर्तजा को मानसिक समस्या है। मुझे लगता है कि हमें जांच के लिए उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है। उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। आप बताइए, पत्रकारों का क्या दोष था बलिया में? क्या पत्रकारों का दोष था? पेपर किसने लीक किया? प्रशासन की जिम्मेदारी थी। पत्रकार ने तो केवल सूचना दी, मदद करना चाहता था पत्रकार, लेकिन पत्रकार को जेल भेज दिए गए। और अयोध्या जैसी जगह पर 5 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो जाए, उसके साथ घटना घट जाए। समाजवादी पार्टी की मांग कई बार रही है, जिन लोगों को नौकरी दी है कम से कम बताया जाए कि इनको नौकरी दी है। अगर 5 लाख का दावा है तो कम से कम कन्नौज में बताया जाए कि 5 लाख में कन्नौज के लोगों को इतनी नौकरी मिली है, फरक्काबाद के लोगों को इतनी मिली है, सहारनपुर के लोगों को इतनी मिली है, चित्रकूट के लोगों को इतनी मिली है, झांसी के लोगों को इतनी मिली है। कम से कम जानकारी तो दे सरकार। और अगर जानकारी सरकार नहीं दे रही है तो आंकड़ों से खिलवाड़ कर रही है। बता दें कि एक शख्स ने गोरखनाथ मंदिर के परिसर में धारदार हथियार लेकर जबरन घुसने की कोशिश की थी और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ साधारण हमला नहीं था, बल्कि जांच में हमलावर के पास से जिस तरह की आतंक से जुड़ी सामग्री मिली है, उससे खुफिया एजेंसियों को इसके पीछे बड़ी साजिश नजर आ रही है। हमलावर अहमद मुर्तजा अब्बासी से लगातार पूछताछ की जा रही है। हमलावर के पास से आतंक से जुड़ी कई सामग्रियां बरामद हुई हैं। वहीं अखिलेश यादव के बयान के बाद अब इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश से जुड़ी अन्य तमाम बड़ी खबरों और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।